वो अंत नहीं है बेटा, जहां पर जब तक आप जो चाहते हैं वो ना हो, अंत नहीं, दोबारा आओगे इसी जन्म में। क्यों ना हम ध्यान से काम करें। आइए बेटे, मैं सबसे पहले आपको डिविडेंड के बारे में बता दूं। तो बेटे, अगर आपको डिविडेंड एडजस्टमेंट दी जाए तो आप क्या करेंगे, पहले हम उसको समझ लेते हैं। बेटे, मैंने आपको बताया था कि देर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड्स। बेटे, फंड्स के दो सोर्सेस होते हैं। एक सोर्स है बोरोवर्स फंड, बोरो किया उसको बोलते हैं बेटे बोरोवर्स फंड। और बेटे, दूसरे सोर्स का नाम है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड जहां से बोरो किया बेटे, जनरली हम डिबेंचर से या लोन से बोरो करते हैं। और बेटे, ओनर्स फंड का मतलब क्या है, हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, हमने इक्विटी शेयर से पैसे ले लिए। अब बेटा, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं इनको, इस कंपनी को क्या करना पड़ता है, मान लेते हैं ये कंपनी है, इसने इन लोगों से पैसे लिए, तो इस कंपनी को इनको कुछ देना पड़ता है बेटे, उसका क्या नाम है, डिवेंचर इंटरेस्ट। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स एंड इट इज कंपल्सरी टू पे, इट इज कंपल्सरी टू पे डिवेंचर इंटरेस्ट। और डिवेंचर इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है, बट बेटे ये जो कंपनी इनको पे करती है, किसको, किसको, शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को बेटे हम कहते हैं इट इज नेम्ड एज डिविडेंड। और बेटे, डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज, इट इज डिस्क्रिशन। बेटे चॉइस है, सीधी सी बात। बेटे डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज, इट इज डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट। बेटे डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन, इट इज डिस्क्रिशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब बात समझ रहे हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूं आप सुन भी नहीं रहे, पता नहीं कहां पे अपने ख्यालों में डूबे डूबे हैं। क्यों बेटे, यहां देखो ना, अपने ख्यालों में कहां डूब रहे हो। मैंने कहा देर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड्स, एक है बेटे बोरो 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 फंड्स, एक है बेटे ओनर्स फंड्स, एक है बेटे ओनर्स फंड, एक है बेटे बोरोवर्स फंड। बोरो फंड में जो भी कुछ हम पे करते हैं उसको बोलते हैं बेटे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है ना बेटे चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या, कंपल्सरी पे करना है, कंपल्सरी टू बी पेड। हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया था, उसमें डिवेंचर इंटरेस्ट लिखा हुआ था। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर आपको डिवेंचर्स दिए हुए हैं तो आपको खुद चेक करना है कि इंटरेस्ट उसमें से पे हुआ है या नहीं, बिकॉज इट इज कंपल्सरी टू बी पेड। तो आपको डिवेंचर इंटरेस्ट की चेकिंग रखनी है कि भाई 10% डिवेंचर्स थे, मान लो 10% डिवेंचर्स थे 10 लाख रुपए के, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो बेटे 10% 10 लाख के कितने आएंगे, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा। और बेटे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस से कि डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिटेड है या नहीं, और अगर है तो 1 लाख का है या नहीं, और अगर नहीं है तो आपको आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट या अक्रूड डिवेंचर इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो प्लीज आप सभी एक बार पहले इसको लिख लें, एडजस्टमेंट नंबर बेटे उसी में नो में एक और थोड़ा सा पॉइंट लिख लें। देर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड, जैसे गंगा जी गंगोत्री से आती हैं, यमुना जी यमुनोत्री से आती हैं, तो मैंने कहा देर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड, दो सोर्सेस है बेटे फंड्स। देर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड्स, वन इज बोरोवर्स फंड एंड सेकेंड इज ओनर्स फंड। बेटे बोरोवर फंड के अगेंस्ट जो भी हम कुछ पे करते हैं इट इज नेम्ड एज इंटरेस्ट, एंड ओनर्स फंड के अगेंस्ट हम जो भी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटे,
डिविडेंड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज बीइंग पेड इन अगेंस्ट ओनर्स फंड। तो मैं एक बात चारों अब लिख ले, इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक whether debenture interest is being debited. It is important to check whether debenture interest is being debited or appearing in ट्रायल बैलेंस। क्या डिबेंचर इंटरेस्ट अपीयर हो रहा है या डेबिटेड है ट्रायल बैलेंस में? इफ नॉट कॉमा इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज पास जनरल एंट्री फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट। ऑलवेज पास जनरल एंट्री फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं बेटे, 10% डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर्स हैं 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपीज के बेटे। तो बेटे डिवेंचर इंटरेस्ट आ गया 1 लाख रुपए का। बेटे डिवेंचर इंटरेस्ट 1 लाख का है। तो पहला केस, इफ डिवेंचर इंटरेस्ट इज नॉट अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस then pass following general entry। तो बेटे ये वाली general entry pass करें, debenture interest account debit to, debenture interest account debit to डिवेंचर्स 1 लाख। बेटे 1 लाख रुपए से, और बेटे डिवेंचर इंटरेस्ट इस ईयर का एक्सपेंस है एज पर अक्रूवल कंसेप्ट। तो मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। सो फॉलोइंग will be two accounting effects। बेटे उसके accounting effects ये वाले होंगे, पहला effect number one, to be shown as finance cost under the head expenditure while preparing profit and loss statement, while preparing profit and loss statement। बेटे मैंने कहा जो भी एंट्री है उसमें डबल इफेक्ट होगा। इफेक्ट टू, accrued slash outstanding debenture interest, accrued slash outstanding debenture interest will appear under the head current liabilities
under the head current liabilities as other current liabilities. बेटा डबल इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है, मैंने आपको बताया, तो आपको ये चेक करना है। अब मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करते हैं कि आपको ये देखा कि 10% के डिबेंचर्स हैं और डिबेंचर इंटरेस्ट 1,00,000 का होना चाहिए, है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अब केस नंबर 2, अब बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट जनरली 6 महीने में देते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट जनरली 6-6 महीने के अंतर में देते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 रुपये आ रहे हो और 50,000 ना आ रहे हो, टोटल तो 1,00,000 देना है इसी एग्जांपल में, 50,000 पहले महीने फिर 50,000 अगले 6 महीने। तो केस नंबर 2, इफ ₹50,000 इज अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, अगर बेटे 50,000 रुपये ही अपियर हो रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, then again we should pass general entry for accrued / outstanding debenture interest as per accrual concept, बेटे accrual concept के हिसाब से आपको 50,000 रुपये की और जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, एंट्री लिखूंगा डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, बेटे 50,000 रुपये से और पास कर रहा हूं, बेटे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट एडजस्टमेंट एंट्री। बेटे भूल जाओ बेटे, अगर एंट्री नहीं आती तो कोई घबराने की बात है नहीं। तो उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, इसका नेट एंट्री पास करेंगे। तो आप समझ लीजिए वही इफेक्ट आएंगे, नेट जनरल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 50,000। तो बेटे इफेक्ट 1, 2 बी शोन एज फाइनेंस कॉस्ट, 2 बी शोन एज फाइनेंस कॉस्ट अंडर द हेड, 2 बी शोन एज फाइनेंस कॉस्ट अंडर द हेड expenditures while preparing profit and loss statement, while preparing profit and loss statement, effect 1, effect 2, outstanding debenture interest of ₹50,000 will appear as other current liability। बेटा लॉजिक समझ आया, मैंने बताना था डिविडेंड बताना शुरू कर दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट एकदम बेटे दिमाग से आपको याद रखना है। अब मैं आ रहा हूं डिविडेंड के ऊपर, मैं कह रहा हूं जी डिविडेंड इज पेड ऑन ओनर्स फंड, बेटे ओनर्स के फंड के ऊपर डिविडेंड देते हैं। पहली बात, रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज टू बी applied on paid up share capital। बेटा rate of dividend जो भी होगा वो paid up share capital पे apply होता है, paid up share capital
दैट इज एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कॉल्स इन एरियर। बेटे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पॉइंट था कि 5000 रुपए की कॉल्स इन एरियर है और आपको डिविडेंड देना है, तो आपने 250000 में से 5000 रुपए की कॉल्स इन एरियर लेस की थी और बैलेंसिंग के ऊपर निकाली थी, ठीक है जी। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज टू बी अप्लाइड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल दैट इज एक्सक्लूडिंग कॉल्स इन एरियर। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ डिविडेंड, फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप 5 लाख, कॉल्स इन एरियर 5000। सो इन दिस केस पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹4,95,000। बेटे हमने कॉल 5 किए थे, पेड अप 5000 कम आई है, तो बेटे डिविडेंड कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी 10% ऑफ 4,95,000, दैट इज 49,500। बेटे अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी 49,500, ठीक है जी। अब बेटे ये जो डिविडेंड कंपनी ने दिया, मैं लिख रहा हूं डिविडेंड कैन बी पेड बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और कैन बी प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स एंड सैंक्शन मतलब अप्रूव्ड बाय इक्विटी शोल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, दैट इज After closure of financial year। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, जल्दी किस बात की, एक लेक्चर ज्यादा लग गया, क्या हुआ? सातवां लग रहा है अभी, एक दो लेक्चर में और लग गया तो क्या हुआ? समझ तो आना चाहिए ना कंसेप्ट, आप इतनी दूर बैठे ना मेरे से बेटे, लेकिन है तो मेरे दिल के पास। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जैसे ये 12 महीने है, ये बेटे 12 महीने का पीरियड है। अब ये 12 महीने के, जैसे मैं कहता हूँ, 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 तक का पीरियड है। जनरली क्या होता है कि अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट्स हो जाएं, तो ये कंपनी बीच में कभी भी डिविडेंड दे सकती है। डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मीटिंग बुला सकते हैं, बोर्ड मीटिंग, और उसमें डिविडेंड दे सकते हैं। इसका मतलब अगर क्लोजर से पहले दिया है तो हम कहेंगे इस डिविडेंड का नाम है इंटरीम डिविडेंड। अब इस इंटरीम डिविडेंड में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि अभी हमने एजीएम से पहले ही डिविडेंड दे दिया, तो बेटे इसको बोलते हैं इंटरीम डिविडेंड। और अगर डिविडेंड जो है, फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो गए, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है 6 महीने के अंदर अंदर, यहां पर डायरेक्टर्स प्रपोज कर रहे हैं और उस डिविडेंड को शेयर होल्डर्स अप्रूव कर रहे हैं, तो बेटे यहां पर मैं कहता हूं इस डिविडेंड का नाम है प्रपोज्ड डिविडेंड। आराम से बेटे, मैंने कहा डिविडेंड दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर देंगे, 12 महीने में देंगे, 12 महीने के अंदर भी दे सकते हैं, इसी ईयर के क्लोज होने से पहले, उसको बोलते हैं इंटरीम, नाम भी क्या है, इंटरीम डिविडेंड। और अगर मैं इस ईयर का
पहले अकाउंट क्लोज कर दूं, फिर जब एजीएम हो तब दूं, तब अप्रूव करवाऊं, उसको बोलते हैं बेटे प्रपोज और फाइनल डिविडेंड। तो बेटे मैंने कहा दो तरह के डिविडेंड होते हैं। अच्छा ये डिविडेंड क्यों देती होगी कंपनी? क्योंकि उसको लगता है कि ह्यूज प्रॉफिट्स हो गए हैं और डायरेक्टर्स बहुत खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। तो बेटे जब वो खुश होंगे तो वो डिविडेंड दे देंगे। इसका मतलब अगर इंट्रीम डिविडेंड होगा, दिया होगा, तो वो ट्रायल बैलेंस में ही हो सकता है, एज एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। राज की बात है। क्यों? क्योंकि बेटे इंट्रीम डिविडेंड तो पे हो जाता है 30 दिन के अंदर अंदर, तो बेटे वो तो ऑलरेडी पे हो गया होगा और वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा, और जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में आती है उसका तो सिंगल इफेक्ट होता है। तो बेटे इंट्रीम डिविडेंड को हम डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस जब हम नोट प्रिपेयर करेंगे इसका, वहां से लेस कर देंगे, लेस इंटरीम डिविडेंड। बेटे वहीं से लेस करेंगे इंटरीम डिविडेंड। रिजर्व एंड सरप्लस से ही लेस करेंगे इंटरीम डिविडेंड को, ठीक है जी। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, तो इस डिविडेंड का नाम है प्रपोज्ड डिविडेंड। बेटे इसको पहले प्रपोज किया जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रपोज डिविडेंड। बेटे इसको अभी हम पे नहीं करते, अभी हम खाली प्रपोज कर रहे हैं, हम आगे पे करेंगे बेटे। तो बेटे इसका इफेक्ट वन कहां लेंगे, मैंने आपको लिखवा दिया। बेटे पहला तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटे 2013 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसको हम शेड्यूल 3 के बेसिस में रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेस करेंगे। आपने वो पीपीटी बना भी लिया। दूसरा बेटे इफेक्ट 1 के बाद इफेक्ट 2, क्योंकि ये तो बेटे एडजस्टमेंट में ही आएगा, तो अभी ये पे थोड़ी किया है। तो मैं लिखूंगा इट विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अंडर द हेड करेंट लायबिलिटीज, अंडर द हेड करेंट लायबिलिटीज। सो इट विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर द हेड करेंट लायबिलिटीज। इट विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर द हेड करेंट लायबिलिटीज। बेटे 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 इसके दोनों इफेक्ट हो गए। बट बेटे प्रॉब्लम ये आई कि ये कंपनी डिविडेंड देती है किसको? आम आदमी, मैंगो पीपल। कौन मैंगो पीपल? इक्विटी शोल्डर्स को ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। तो इसके लिए तो खर्चा है, खर्चा भी ना कह के मैं तो कहूंगा इसके लिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। तो बेटे इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, और इसके लिए क्या है बेटे, ये इनकम। इनकम का मतलब क्या? आमदनी। अब बेटे सवाल ये आता है कि इसके लिए इनकम है तो टैक्स तो इसी को देना चाहिए। सो टैक्स शुड बी पेड बाय
इक्विटी शोल्डर्स। बेटे टैक्स शुड बी पेड बाय इक्विटी शोल्डर्स, लेकिन सवाल ये आता है कि बेटे हम ये चाहते हैं कि इक्विटी शोल्डर्स को हम थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो अपने पैसे कंपनी में डालें। बेटे जिस देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो देश ज्यादा डेवलप करता है, आप अमेरिका देख लीजिए। अगर ये शेयर होल्डर जो सेव कर रहा है खाली बैंक भी पैसे जमा करेगा तो बेटे हमारा देश डेवलप नहीं करेगा। अगर ये कंपनीज में, प्रोजेक्ट्स में, इंफोसिस में, विप्रो में, रेडी में, हिंदुस्तान लीवर में, ऐसी कंपनीज में अपने विश्वास रखेंगे, मोटिवेट होंगे, पैसा लगाएंगे, तो बेटे पैसे को पैसा ही खींचता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एज अ गवर्नमेंट, एज अ ऑब्जेक्टिव है कि ये इक्विटी शेयरहोल्डर्स को आदत डाले, क्योंकि अभी हमारे शेयरहोल्डर्स को इंडिया में इन्वेस्टर्स को आदत ही नहीं है कि पैसा बचाएं कैसे, और पैसा बचा तो लेते हैं बेटे लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करते। बेटे हमारे माता पिता को आदत है बचाने की, बेटे आम के अचार के साथ चपाती खा लेंगे, पूड़ियां आलू के साथ खा लेंगे, बेटे घर में सेविंग कर लेंगे, लेकिन बेटे जब तक वो सेविंग इन्वेस्टमेंट के रूप में मार्केट में कैपिटलाइज नहीं होगी उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पी चिदंबरम ने अपने जमाने में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था 115 ओ, और इस सेक्शन को बोला गया सीडीटी, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स बेटे सीडीटी कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स के हिसाब से, इस सेक्शन के हिसाब से शेयर होल्डर विल नॉट पे टैक्स, रादर कंपनी विल पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। कितनी बढ़िया बात है, प्रोत्साहन दे रहे शेयर होल्डर्स। तो मैं ये कह रहा हूं अंडर सेक्शन 115 एवरी डोमेस्टिक कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ शेयरहोल्डर्स शेयरहोल्डर्स के बिहाफ में। Every domestic company has to pay tax on dividend distributed or declared on behalf of shareholders, which is popularly named as corporate dividend tax। आराम से बेटे, कई जगह इसका नाम बेटे DDT भी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो आगे लिख रहा हूं बेटे, CDT इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड declared or distributed on the amount of dividend declared or distributed। बेटे ये कंपल्सरी अब देना है। सपोज करते हैं बेटे डिविडेंड declared and dividend paid, दोनों भी हो सकते हैं, इंट्रीम डिविडेंड दिया और फिर प्रपोज डिक्लेयर कर दिया, इज रुपीज 80,000 एंड रुपीज 30,000 रिस्पेक्टिवली, इज रुपीज 80,000 एंड रुपीज 30,000 रिस्पेक्टिवली, सो टोटल डिविडेंड इज
1,10,000. Suppose rate of dividend, is 10%. मान लिया कि rate of dividend 10% है. So in this case, dividend distribution tax will be 10% of 1,10,000, that is rupees 11,000. आराम से बेटे, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो अब शेयर होल्डर को उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, कंपनी पे करे, कंपनी किस रेट पे, जो भी रेट हो, किस अमाउंट पे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बेटे 10% निकाल लिया, 11,000 रुपए आ गए जी. तो मैं एंट्री लिख रहा हूं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सीडीटी टैक्स टू बैंक 11,000. और बेटा दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सीडीटी 11,000. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे. ए बेटे, अगर मैं मानू कि मैंने इसको पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग सीडीटी आ जाएगा. इफेक्ट वन क्या होगा देख लेते हैं, ये और ये कट गया. तो इफेक्ट वन आप लिख चुके हैं पीपीटी में, फिर भी आप देख लीजिए, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटे. ये तो मेरा प्यार है, सेवा भाव है, जो मैं खोल खोल के सब चीजें समझा रहा हूं बेटे. इफेक्ट वन टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस. एक तो बेटे रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस करेंगे. सेकंड इफेक्ट टू टू बी शोन एज अदर करेंट लायबिलिटी इफ नॉट पेड, अगर पे नहीं की तो बेटे इसको अदर करेंट लायबिलिटी दिखाएंगे. आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है जी, आराम से. तो बेटे मैंने आपको डिविडेंड के बारे में बताया, अभी वैसे दो बातें और भी हैं जो मुझे डिविडेंड के बारे में बतानी है, अभी नहीं बता रहा हूं, जब क्वेश्चन करूंगा ना उसी समय बताऊंगा. अभी मान लीजिए यही है डिविडेंड, यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया. इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 में इफेक्ट देख चुके हैं. तो मैं अब आगे चलूंगा, मैं आपको एक एडजस्टमेंट और भी लिखवा चुका हूं जिसका नाम था एडजस्टमेंट नंबर 11. अब बेटे इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, 10 है सॉरी. इसका नाम है बेटे टैक्स एडजस्टमेंट. आराम से बेटे, इसका नाम है जी टैक्स एडजस्टमेंट. अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से उसको समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. एडजस्टमेंट नंबर 10 में मैंने ये कहना है बेटे कि आप मुझे इतना बता दीजिए टैक्स, मैं कह रहा हूं कि टैक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मैंने कहा टैक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, टैक्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. पहला टैक्स है बेटे डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स कौन सा बेटे इनडायरेक्ट टैक्स. और बेटे डायरेक्ट टैक्स में भी अलग अलग प्रकार के टैक्स हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स, जैसे बेटे इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स, जैसे बेटे जीएसटी. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एडजस्टमेंट नंबर 10 लिख चुके हैं, टैक्स एडजस्टमेंट पीपीटी लिख चुके हैं, आप ध्यान से सुने. मैं कुछ और वैल्यू एडिशन कर रहा हूं आपकी एडजस्टमेंट नंबर 10 में,
तो आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो शायद आपको बातें और ज्यादा क्लियर होंगी। एक बच्चा तो ढीला पड़ चुका है, एक ने तो कमर भी ढीली कर दी है। बेटे मैं फिर थप्पड़ मारूंगा, खींच के कह रहा हूं मैं, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठिए, आप कमर आपकी झुकनी नीचे है। आप पढ़ाई कर रहे हो बेटे, फाइनल अकाउंट का चैप्टर आखिरी पढ़ाव वे है कहीं पे भी, ढीले नहीं पड़ना बेटे, ढीले पड़े आपके दुश्मन। पानी पी के आओ, चलो उठो 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 मेरे बच्चे, थोड़ा पानी पी के आओ, आंखों में पानी डालो डालो मेरे बेटे, थोड़े गहरे सांस लो, मेरे इस वीडियो को थोड़ा फॉर स्टिल कर दो, जाओ मेरे बच्चा। बेटे ए बेटे, जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे बातें समझ नहीं आएंगी। तो बेटे आइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ए पॉइंट में मैंने लिखा बेटे, ए पॉइंट में मैंने लिखा टेक्स्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है जी। मैं अब यहां पर आगे चल रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बी पॉइंट इनकम टैक्स इज पेड बाय, बेटे इनकम टैक्स इज पेड बाय कंपनीज, क्योंकि बेटे हम कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, ओन प्रॉफिट्स, और मैं कहूं ओन देयर पर्सनल इनकम। और बेटे उनकी पर्सनल इनकम क्या होगी, प्रॉफिट्स ही होंगे। एंड इट इज पॉपुलरली नेम्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स। बेटे जो भी कंपनी पे करती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। सी पॉइंट, कॉर्पोरेट टैक्स इज जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैट रेट। कॉर्पोरेट टैक्स इज जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैट रेट। Corporate taxes generally on the basis of flat rate पे applicable होता है बेटे, slab पे नहीं, flat पे। D point, suppose profits of a financial year rupees 10 lakhs, मान लेते हैं एक particular financial year के profits 10 लाख हैं, एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। सो इन दिस केस कॉर्पोरेट टैक्स टू बी पेड, कॉर्पोरेट टैक्स टू बी पेड इज इक्वल टू 30% of 10 lakhs, that is rupees 3 lakhs. आराम से बेटे, मैंने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का वहम है। आपने खुद ही अपने डर पैदा कर ली है, जैसे भूत से आप डरते हैं और भूत होता थोड़ी है, आप ऐसे डरते रहते भूत है चुड़ैले हैं, कभी देखी चुड़ैल? मैंने कहा 10 लाख रुपए एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाए एक फाइनेंशियल ईयर 12 महीने, तो 30% का अगर टैक्स का रेट है तो उस कंपनी को 3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अब बेटे टैक्स कब दें, सोचने की बात है। ई, या तो ये बेटे मैंने ये इनकम 10 लाख रुपए की 12 महीने में मैंने कमाई है, प्रॉफिट्स बेटे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के, टैक्स का रेट था बेटे 30%, अब ये 3 लाख रुपए का टैक्स है बेटे। एक सवाल आता है कि हम यहीं पे दे, एंड में दे, एक सवाल आता है कि हम बिगिनिंग में दे, और एक सवाल आता है कि बेटे हम इस टैक्स को बीच बीच में दे दे। अब आप खुद सोचिए कि बेटे अगर मैं एंड में दूंगा
तो सरकार कहती है हमें आप लोगों में पर विश्वास ही नहीं है, क्या पता विजय माल्या जैसे आप ही भाग जाओ। और बेटा ये आप कमा रहे हो, एंड में थोड़ी कमा रहे हो, आप तो हर रोज हर महीने हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ कमा रहे हो। तो सरकार कहती है जैसे जैसे कमा रहे हो ना वैसे वैसे ही टैक्स दे दो, क्योंकि हमें आपके ऊपर फेथ नहीं है, आप भाग जाओगे। तो सरकार कहती है कि आप ये 10 लाख रुपए की जो कमाई आप कर रहे हो ना, ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना, इसको यहीं पे सोच लो, अपने आप सोच लो। क्या सोच लो? कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप कितने पैसे कमाओगे। मतलब अभी साल शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप सोच लो कि आप कितने पैसे कमाओगे इस साल। जैसे आप पेपर देते हैं तो आप सोच लेते हैं ना कि आपके कितने नंबर आएंगे। तो बेटा पिछली बार के प्रॉफिट से, पिछली बार के डाटा से आप एस्टिमेट कर लो कि आपको कितने प्रॉफिट्स इस बार होंगे। मान लेते हैं आपको जो भी लगता होंगे, मान लेते हैं 8 लाख रुपए के प्रॉफिट्स आपको लगता होंगे, तो उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट लगाओ। मान लेते हैं 2,40,000 रुपए का टैक्स आपको लगता है स्टार्टिंग में कि होगा, तो बेटे टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप ऐसा करो, ये 2,40,000 आप हमें एडवांस में कुछ महीनों के अंदर देते रहो। कमाल कर दी। आप में से तो एक बच्चा हंसने लग गया, वो कहता अभी गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। हाँ बेटे 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 पिछले सालों के बेसिस में हम अगले साल को एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी इनकम कितनी होगी, हमारा टैक्स कितना होगा, और कंपनी को 4 इंस्टॉलमेंट्स में उस एडवांस टैक्स को देना है। मतलब एडवांस में ही टैक्स पे कर दो। मैं रिपीट करता हूं बेटे, समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? मैं कह रहा हूं कि आपकी एक लीगल लायबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप साल के शुरू में अपनी इनकम को एस्टिमेट करो, अपना टैक्स एस्टिमेट करो, जितना भी टैक्स आता है उसको आप बराबर बराबर या जो भी एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट्स है उसमें पे करो। तो बेटे 4 इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स पे करना जरूरी है किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को। तो जैसे 2,40,000 कमाई, तो बेटे एक तो 15 जून, एक बेटे 15 सितंबर, एक बेटे 15 दिसंबर और एक बेटे 15 मार्च, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर की 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप टैक्स को पे कर दो। बेटे उस टैक्स का नाम है एडवांस टैक्स। क्या नाम है बेटे? क्या नाम है? एडवांस टैक्स। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आप समझ लीजिए, टैक्स टैक्स टू बी कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसे लिखना बेटे, कॉर्पोरेट टैक्स टू बी कैलकुलेटेड इन द बिगनिंग, कॉर्पोरेट टैक्स टू बी कैलकुलेटेड इन द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बेटे फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में एस्टिमेट कर दो ऑन एस्टिमेटेड इनकम, ऑन एस्टिमेटेड इनकम और प्रॉफिट्स, विच इज टू बी पेड इन एडवांस इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, विच इज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड पॉपुलरली नेम्ड एज एडवांस टैक्स। आराम से बेटे, और बेटे उसको हम एडवांस टैक्स बोलते हैं। तो बेटे आपको अब ये समझ आ गया कि हमने साल के शुरू में ही
अपनी इनकम को एस्टिमेट कर लेना है और यहीं पे खड़े होकर झंडा फहराना है, भारत माता की जय। मैं आपको कह रहा हूं 8 लाख रुपए की इनकम आपने एस्टिमेट कर ली, जैसे आप पेपर दे के आते हैं तो अपने नंबर सोच लेते हैं, वैसे ही आपकी कंपनी को भी अब पहले से ही सोच लेना है कि 2,40,000 रुपए का टैक्स देंगे। बट बेटे जिस दिन रिजल्ट आता है क्या आपके नंबर वही आते हैं जो आप सोचते हैं? ए बेटा, बेटा कई बार उतने नंबर नहीं आते, कई बार कम आते हैं, कई बार ज्यादा आते हैं। इसका मतलब जब साल का आखिरी 31 मार्च आएगा तो उस दिन आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे और उस पे एक्चुअल टैक्स जब निकालेंगे तो बेटे वो अलग भी हो सकता है। मान लेते हैं आपके एक्चुअल इनकम आई 10 लाख रुपए, तो बेटे आपका एक्चुअल टैक्स बना 3 लाख, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया। तो जो भी आपने एंड में प्रॉफिट्स निकाले हैं बेटे उसके ऊपर लॉ कहता है आप क्या करो, प्रोविजन बनाओ आराम से बेटे। मैंने कहा क्या आप सभी को ई पॉइंट समझ आ गया? ठीक है जी, अब लिखते हैं जी एफ पॉइंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल प्रॉफिट्स विल बी कैलकुलेटेड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल प्रॉफिट्स विल बी कैलकुलेटेड, एक्चुअल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट किया जाएगा एंड एक्चुअल टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स will be shown as provision for tax। बेटे उसको हम provision for tax create करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे profit and loss account debit to provision for tax। बेटे ये 3 लाख रुपए आ गया जो मेरा example था, तो बेटे यहां पर entry नहीं बताई, एडवांस टैक्स की एंट्री बता देता हूं। एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट, जगह छोड़ी थी भूल गया बेटा बताना, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,40,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा जी टैक्स आपको खुद एस्टिमेट करना है, खुद कैलकुलेट करना है, खुद ही जमा कराना है। सरकार कहती है हमें इतना तो विश्वास है कि तुम खुद ठीक करोगे, लेकिन हमें पहले दे दो। तो एडवांस टैक्स आपने 2,40,000 पे कर दिया, मान रहे 2,40,000 रुपए का एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया, 2,40,000 का एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया, बट जब एंड हुआ तो आपकी इनकम निकली 10 लाख और आपको टैक्स देना था 3 लाख, तो लॉ कहता है कि आप ऐसा करो जी 3 लाख रुपए की प्रोविजन बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और जितना बैलेंस बचा आप उसका टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दो। रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल करोगे उसके साथ 20,000 रुपए जमा कर देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर देना, क्योंकि आपने जानबूझ के गलती की थी, जानबूझ के एस्टिमेटेड इनकम कम निकाली थी, जिससे कि जानबूझ के आपके एडवांस टैक्स कम आए। तो अगर ये डिफरेंस भी आया है तो आप ही की गलती है, आप उसमें 234 ही पे कर देना, वो इनकम टैक्स में देखिए। तो बेटे लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूं, एफ पॉइंट तक सबको समझ आ गया? तो बेटे मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी को एक तो एडवांस टैक्स बनाना पड़ेगा, एडवांस टैक्स देना पड़ेगा,
तो बेटा एडवांस टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है उसको देख लेते। हाँ बेटे उसको देख लेते। मैंने अभी अभी एक एंट्री की, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 240,000। बेटे ये करंट फाइनेंशियल ईयर की बनी। और इसी तरह से बेटे हम एक फॉर्मेट और प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर्मेट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटे आपने अभी अभी एंट्री पास की, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 300,000 की प्रोविजन बनाई। बेटे यहां तक समझ आ गया? बेटे नाराज ना होना, बेटे मैं दिल से बता रहा हूं, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, बेटे नाराज ना होना। अब आपने क्या किया कि आपने अभी तक एफ पॉइंट तक लिखा और उसके बाद अब एक बात और लिखनी है जी पॉइंट में। आफ्टर कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम विल बी फाइल। बेटे रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल कर देंगे बेटे किसमें? अंडर सेक्शन 139 सीरीज है बेटे, और उसमें लिख देंगे कि हमारा टैक्स 300,000 था, 280 हमने पहले पे कर दिया और 20,000 ये है और बैलेंस शीट वगैरह सब लगा देंगे बेटे। लेकिन क्या लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बात को मान जाएगा बेटे? वो क्या करेगा, आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, आपने कौन कौन से खर्चे डेबिट किए हुए उनको देखेगा, और फिर वो चेक करेगा कि क्या वो इनकम टैक्स एक्ट के PGBP प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में डेबिटेड अलाउड है, क्या वो सेक्शन 28 से 44D तक अलाउड है, अगर आपने डेबिट किए तो क्या उतने ही अलाउड है, क्या वो इनकम कम तो नहीं दिखाई, क्या वो खर्चे ज्यादा तो नहीं दिखाए, ये सारी चेकिंग करेगा। और बेटे चेक करने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 3-4-2 वर्ष लग सकते हैं। लॉ खुद दे रहा है उनको टाइम कि भैया आप 2 साल के अंदर अंदर इनको आप चेक करो और आप बताओ कि आपके हिसाब से टैक्स कितना आएगा। तो बेटे टैक्स दो लोगों ने निकाला, एक तो एसएससी ने खुद निकाला, एक तो इंफोसिस ने खुद निकाला, एक तो टाटा स्टील ने खुद निकाला, एक तो टीसीएस ने खुद निकाला, और एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाला, टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाला। क्या लगता है जी, एक तो आप अपना खुद पेपर चेक करो, खुद ही पेपर बनाओ, खुद ही पेपर चेक करो, तो बताओ आप अपने आप को नंबर बहुत ज्यादा दोगे। लेकिन आपका पेपर कोई और चेक करे तो वो गलतियां निकाल सकता है, वो देख सकता है कि कहां पर आपने मिस्टेक की है। तो बेटे दोनों में डिफरेंस हो सकता है कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता ही है बेटे, होगा ही। मैं आपसे यही बात तो कहना चाह रहा हूं कि जो टैक्स आपने निकाला और जो टैक्स डिपार्टमेंट निकालेगा उसमें डिफरेंस हो सकता है और उसमें 2-3 वर्ष लग भी सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं एच पॉइंट में टैक्स कैलकुलेटेड बाय असेसिंग ऑफिसर एओ, टैक्स कैलकुलेटेड बाय एओ असेसिंग ऑफिसर, बाय एओ असेसिंग ऑफिसर मे बी named as actual tax liability determined by income tax
authorities may be determined as by income tax authorities. Now, there can be difference. Now, there can be difference in between. There can be a difference in between tax as per returned income and tax as per income tax authorities. बेटे आराम से, बेटे मैं कह रहा हूँ दोनों में टैक्स का डिफरेंस हो सकता है. टैक्स एज पर रिटर्न इनकम जो आपने फाइल की और उस इनकम को चेक किया किसने 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 अथॉरिटी ने, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं. सपोज टैक्स डिटरमाइंड बाय इनकम tax department, suppose tax determined by income tax department be rupees 3,50,000. मान लेते हैं 3,50,000 रुपए है. Now it implies tax, it implies tax to be paid is rupees 350. इसका मतलब आपको टैक्स 3,50,000 देना चाहिए था. क्यों? क्योंकि आपने एक खर्चे को डेबिट कर दिया था और वो एक्सपेंस एडमिसिबल नहीं था, वो डिडक्टेबल नहीं था और आपको उस खर्चे को दोबारा से ऐड करना पड़ा, तो आपकी इनकम बढ़ गई और टैक्स भी बढ़ गया. मान लेते हैं टैक्स 3,50,000 का हो गया और आपने 3,50,000 के अगेंस्ट क्या किया हुआ, सुनना जरा, 3,50,000 के अगेंस्ट आपने क्या किया है. ये तो बेटे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर है जिसको आपने डायरी वायरी नहीं दी, दिवाली नहीं लेकर आए, और ये आप हैं, ये खुश है. इसके अगेंस्ट बेटे आपने एडवांस टैक्स तो पे किया है 280 का, और बेटे इसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया है 3,00,000 की. आराम से बेटे, अब जिस ईयर आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिटरमाइन हो जाती है उस ईयर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. उसके लिए मैंने इतनी महाभारत सिखाई बेटे, इतनी महाभारत बोली, क्योंकि आपको मुझे ये एडजस्टमेंट एंट्री बतानी थी कि अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पता हो एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अगर उसी ईयर की एडवांस टैक्स भी पता हो, उसी ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स भी पता हो, तो उसको कंपेयर करके हम दोनों चीजों को नलीफाई कर देते हैं बेटे, कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. तो मैं यही तो बात बता रहा हूं, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, रुपीज 70,000 विल बी पेड एज एडिशनल एज एडवांस टैक्स एज टैक्स. बेटे 70,000 रुपए और देने पड़ेंगे, 70 और देने पड़ेंगे, क्योंकि 3,50,000 देने थे, आपने 280 दिए. और बेटे रुपीज 50,000 विल बी मोर प्रोवाइडेड, और बेटे 50,000 रुपए की और प्रोविजन बनानी पड़ेगी. और उसके बाद इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कैंसल. आराम से, कोई जल्दी नहीं बेटे, मैं क्या कह रहा हूं सुनना जरा ध्यान से. मैं कह रहा हूं एक होता है टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स.
एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होती है एस्टिमेटेड इनकम, एक होता है एडवांस टैक्स, एक होता है रिटर्न टैक्स एंड द एंड ऑफ द ईयर, एक होता है टैक्स कैलकुलेटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहां पर मैंने 350,000 रुपए लिए टैक्स कैलकुलेटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और यहां पर मैंने 280,000 रुपए लिए एडवांस टैक्स पेड, और यहां पर मैंने 300,000 रुपए लिए प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटे 350 को, 350,000 रुपए को मैं 280,000 से कंपेयर करूंगा, और 70,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो बेटे टैक्स पे करूंगा, दैट विल बी पेड एज टैक्स। और इसी तरह से 350 को मैं 300,000 से कंपेयर करूंगा, बेटे 300,000 से कंपेयर करूंगा, और जितनी भी डिफरेंस है उसको मैं प्रोविजन बनाऊंगा, 50,000 रुपए की प्रोविजन बनाऊंगा। इसका मतलब ये भी 3.5 हो गया और ये भी 3.5 हो गया, फिर मैं कैंसिल कर दूंगा। और बेटे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसका क्रेडिट कर देंगे। तो बेटे एक एंट्री समझ ले, नहीं भी समझ आए कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले मैं यहां पर 70,000 रुपए की एंट्री बता रहा हूं, एडवांस टैक्स टू बैंक, बेटे 70,000 रुपए तो मैं एडिशनल टैक्स पे कर दूंगा। दूसरा बेटे मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, क्योंकि बेटे मुझे 50,000 ज्यादा बनानी है, क्योंकि 3.5 की होनी चाहिए। अब ये दोनों चीजें 3.5 की आ गई, जरा देखना, जरा मैं यहां पर इसकी पोस्टिंग कर दूंगा टू बैंक। अच्छा बेटे 240 था, मैंने गलती से यहां 280 ले लिया, ये 240 है बेटा, तो फिर 110 हो रहा है बेटे, मेरी गलती है, 110,000 हो रहा है भाई। मैं अगर 240 लूं तो फिर 350 का 240 का डिफरेंस 110, तो फिर मुझे यहां भी 110 पे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं बेटे, 110,000 पे करना पड़ेगा। मैंने अगर 240 पे किया और मुझे 350 पे करना था तो मुझे 110 और पे करना पड़ेगा, मेरे को गलती से लगा कि हमने 280 पे किया, कोई बात नहीं बेटे, तो 110 की एंट्री कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, टू बैंक 110। अब चेक करिए जी, यहां पर 350 का बैलेंस आ गया। अब बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स में देख लीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 50, यहां पर भी 3.5 का बैलेंस आ गया। अब बताइए इस केस का, इस ईयर की रिटर्न फाइल हो गई, इनकम टैक्स ने असेसमेंट कर दी, काम खत्म हो गया, तो बेटे हमें इसको अकाउंट्स में भी खत्म करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे बेटे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको डेबिट करेंगे, और जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो बेटे एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स टू एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स टू एडवांस टैक्स 350,000, खत्म। बेटे यहां लिख देंगे बाय प्रोविजन, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया, 350, खत्म। और यहां क्या लिख देंगे, ये टू एडवांस टैक्स 350,000, और बेटे यहां पर टैली कर देंगे आराम से बेटे, आराम से मेरे बेटे। मैं फिर रिपीट करता हूं, आराम से आप चेक करें, मैंने लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर दी, तो आपको टैक्स की एडजस्टमेंट में ये 4-5 बातों का ध्यान देना है। कई बार आपको पेपर में टैक्स की एडजस्टमेंट ही वो पूछ लेता है और बाकी कुछ नहीं पूछता, तो कोई घबराना नहीं है, मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं,
आपको आराम से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं।